जय हिंद आदाब, मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताजा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। शिबली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ की तरफ से सभी देशवासियों और आजमगढ़ जनपद वासियों को ईद की पुरखलूस मुबारकबाद। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार निमतुल्ला खां बब्बा की तरफ से सभी नगर वासियों को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। ब्लॉक प्रमुख बिलरियागंज और भाजपा नेता रमेश यादव की तरफ से सभी देशवासियों और आजमगढ़ जनपद वासियों को ईद की दिली मुबारकबाद। मिर्जापुर ब्लॉक प्रमुख बलवंत यादव की तरफ से आजमगढ़ जनपद वासियों और क्षेत्रवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद। आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां थाना फूलपुर क्षेत्र के ग्राम अहरीपुर सिवान पुलिया के पास बीती रात हुई पुलिस मुठभेड़ में जिला बदर गौ तस्कर अपराधी अबूजर उर्फ पप्पू पुत्र हसनैन ग्रामपुरा नाजिर थाना कोतवाली फूलपुर जनपद आजमगढ़ घायल हो गया। उसके बाएं पैर में गोली लगी है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान अबूजर के दो साथी जुरार अहमद पुत्र फिरोज अहमद ग्रामपुरा नाजिर थाना फूलपुर और नूर आलम पुत्र कैस साकिन भिखारी बराईपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 100 किलो गौमांस, दो अवैध देसी तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस 315 बोर, एक मिस कारतूस 315 बोर, दो खोखा कारतूस 315 बोर और दो मोटरसाइकिल बरामद करने की बात पुलिस ने बताई है। आपको बता दें कि मुखबिर के द्वारा पुलिस को ये सूचना मिली थी कि गिरफ्तार अभियुक्त दो मोटरसाइकिल से कस्बा सरमीर कसाई मोहल्ले से गाय का गोश्त लेकर आ रहे हैं और कहीं बेचने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि अबूजर के ऊपर पूर्व में गोबध और गंगेस्टर के मुकदमात दर्ज हैं और वर्तमान में जिला बदर अपराधी है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के पास, जो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। रात्रि लगभग 1:15 पर एसओ फूलपुर की टीम के द्वारा गोकशी की सूचना पर घेराबंदी कर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस बल द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग आत्मरक्षार्थ की गई, जिसमें एक बदमाश अबूजर उर्फ पप्पू को बाएं पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर इसकी स्थिति सामान्य है। इसके साथ इसके दो अन्य साथी नूर आलम व जुरार अहमद को भी पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस, दो अवैध तमंचे 315 बोर के और परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है। घायल बदमाश अबूजर के ऊपर पूर्व में भी गोकशी, गो तस्करी और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके ऊपर पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट के अंतर्गत पूर्व में कार्रवाई की गई थी एवं यह जनवरी माह से वर्तमान में जिला बदर अपराधी था। विस्तृत पूछताछ व विवेचनात्मक कार्रवाई एसओ फूलपुर और उनकी टीम के द्वारा की जा रही है।